हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू के मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। और पार्ट 1 गिवन है कि प्रूव दैट 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। यानी हमें यह प्रूव करना है कि 1 अपॉन अंडर रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो जब भी हम किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करते हैं तो उसके लिए हमें गिवन इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर लेट करना होता है। तो इसमें हमें करना पड़ेगा कि लेट 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। आप देखो, अगर 1 अपॉन अंडर रूट 2 रेशनल नंबर है तो हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, जहाँ पर कि जो पी क्यू है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स है। जो पी और क्यू है को प्राइम इंटीजर्स हैं, तो ये गिवन है। तो अब देखो, यहाँ है 1 अपॉन अंडर रूट 2, यहाँ पे पी अपॉन क्यू, तो अगर हम इनको रिवर्स कर दें यानी कि रूट टू इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी। अब टू पे रूट है, टू का रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा रूट टू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी का स्क्वायर। देखो, इसके स्क्वायर से रूट हट गया, यहाँ पर बचा टू, इधर बन जाएगा क्यू स्क्वायर और पी को लिखेंगे पी इंटू पी, तो यहाँ से क्या होगा, एक पी इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा टू पी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि जो टू पी है ये एक इंटीजर है और क्यू स्क्वायर पी जो है वो एक फ्रैक्शन है। यानी आप यहाँ पे लिखेंगे कि वो क्या है, एक इंटीजर है और ये एक फ्रैक्शन है, और इंटीजर और फ्रैक्शन कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी कैन सी हेयर, वी हेयर 2p is an integer and q square upon p is a fraction and we know that इंटीजर एंड फ्रैक्शन कैन नेवर बी इक्वल, कि इंटीजर और फ्रैक्शन इक्वल नहीं हो सकते। तो हम क्या लिखेंगे, इट्स occurred due to our wrong assumption wrong assumption क्या करी थी कि हमने, देखो wrong assumption क्या करी हमने, wrong assumption ये कर ली कि वन अपॉन रूट टू एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम इसको क्या रेट कर लिया था, रेशनल नंबर लेट कर लिया था। तो ये हमारी रॉन्ग अजप्शन थी। इस रॉन्ग अजप्शन के रीज़न से ही 2p इक्वल आया क्यों स्क्वायर अपॉन p के, जबकि वो फ्रैक्शन है, वो इंटीजर, इंटीजर फ्रैक्शन इक्वल नहीं हो सकते। तो हम यहाँ लिख देंगे, इट्स अकर्ड ड्यू टू आवर रॉन्ग अजप्शन, हैंस 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करने का एक यूनिक तरीका है, और ये
बिल्कुल सही भी है, ऐसा नहीं कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में इसको गलत काट दिया जाएगा, ये तरीका सही है। हम इस तरीके से भी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं।